हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी लोग हैं जो कि मार्केटिंग एंड सेलिंग को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सेल्स मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन सेल्स में मार्केटिंग का कोई लेना देना नहीं होता। सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो कंपनीज होती हैं वो सेल्स ओरिएंटेड होती हैं, मतलब वो सिर्फ सेलिंग पे फोकस करती हैं, और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो कंपनीज़ होती हैं वो कस्टमर ओरिएंटेड होती हैं, जो कि मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करती हैं ना कि सेलिंग पे। तो चलिए इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। सेल्स एक एक्टिविटी है, इसमें जो सेलर होते हैं उनका फोकस सिर्फ सेलिंग पे होता है कि कैसे भी करके उनका प्रोडक्ट बिक जाना चाहिए। इसमें सेलर आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, आप पर जोर भी डाला जाता है, और अगर फिर भी बात नहीं बनती तो सेलर प्रोडक्ट का प्राइस भी कम करता है, और अगर आप कन्विंस हो जाते हैं तो वो आपको प्रोडक्ट सेल कर देगा और आप उसको पैसे दे देते हो। उसके बाद उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको प्रोडक्ट पसंद आया या नहीं आया, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ सेलिंग पर होता है। वहीं दूसरी तरफ मार्केटिंग एक पूरी स्ट्रेटजी होती है, प्लानिंग होती है, मतलब ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि प्रोडक्ट बनने से पहले शुरू हो जाता है और उसके सेल होने के बाद जो फीडबैक्स लिए जाते हैं उसके बाद भी कंटिन्यूसली चलता रहता है, क्योंकि मार्केटिंग का मेन फोकस कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना और उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट तैयार करना होता है। उसके बाद उससे फीडबैक्स भी लेना कि सर आपको प्रोडक्ट पसंद आया या नहीं आया, फिर उन फीडबैक्स के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करना ताकि प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप हो जाए। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो मार्केट में लॉन्ग टर्म तक बनी रहती हैं। देन सेलिंग में प्रोडक्ट बनने में जितनी कॉस्ट आती है प्रोडक्ट का प्राइस उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है, लेकिन मार्केट में प्राइस को कस्टमर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि जिस कस्टमर को टारगेट किया जा रहा है उसकी कैपेसिटी कितनी है जिससे कि वो प्रोडक्ट को आसानी से खरीद पाए। आफ्टर दिस इन सेलिंग प्लानिंग इज शॉर्ट रन ओरिएंटेड, मतलब सेलिंग की जो प्लानिंग होती है वो शॉर्ट रन होती है, क्योंकि सेलिंग में सेलर सिर्फ उन कस्टमर को टारगेट कर पाते हैं जो उनके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, लेकिन मार्केटिंग में कस्टमर का इंटरेस्ट खुद क्रिएट किया जाता है प्रोडक्ट के फायदे बताकर या फिर ब्रांड को लोगों के इमोशन के साथ रिलेट करके दिखाया जाता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज सेलिंग में कस्टमर के फीडबैक्स को सीरियसली नहीं लिया जाता, जबकि मार्केटिंग पूरी तरह से कस्टमर पर ही डिपेंड होती है, तो इसीलिए उसके फीडबैक्स को भी सीरियसली लिया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि मार्केटिंग को सेलिंग से अलग करते हैं। आई होप अब आपको मार्केटिंग एंड सेलिंग का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बी हैप्पी।